उस पर भी कोई मुझे लग रहा है। देखो हमारा तो कोई संबंध है नहीं, एसकेएम की तो 14 तारीख की मीटिंग है, उनकी पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है उसकी कमेटी बनी हुई है, केंद्र सरकार उनसे बातचीत कर रही है, तो उनको तो वही कमेटी वहाँ की बता पाएगी। यहाँ के किसान उनकी सहायता में नहीं जाएंगे क्या? नहीं नहीं, दिल्ली नज़दीक है, जाना होगा तो दिल्ली जाएंगे, और हम 14 तारीख में दिल्ली जा रहे हैं, एसकेएम तो 14 तारीख में कर रहा, बहुत जगह देश में आंदोलन चल रही है। अभी सांसद वीके सिंह कह रहे जी ये पंजाब का आंदोलन है, यूपी का आंदोलन नहीं है, क्या कहेंगे? चलो वो तो बीजेपी वाले तो अपना अलग अलग कहेंगे। देखो किसानों का मूवमेंट है, कहीं पे भी चले किसान है, वे अपनी आवाज उठा रहे सभी। और अभी तो जो ये फसलों का नुकसान हुआ, ये किसान आएगा इसको कहाँ के बताओगे? अभी जो ओलावृष्टि हुई है इसकी भरपाई तो सरकार को करनी है ना, आंदोलन तो इस पर भी होंगे। जिस तरह एनडीए का लोकदल से गठबंधन हुआ है, क्या आंदोलन कमजोर पड़ेगा इससे? देखो कमजोर तो आंदोलन किसी का किससे गठबंधन हो रहा है उससे नहीं पड़ता, मुद्दों पे आधारित आंदोलन होते हैं, मुद्दा जहाँ होगा तो आंदोलन होंगे। और अब तो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का त्योहार चल रहा है, तो जो कुछ होगा इसके बाद में होगा, अपना मीटिंग करेंगे। बीजेपी लगातार दावा कर रही है 80-80 हमारी। देखो जिस देश का राजा तानाशाह होगा तो उसके जो ज्योतिषी हैं वे उसी के कहने पर काम करेंगे, तो राजा तानाशाह होगा तो ज्योतिषी क्या कर लगा? मतलब मोदी जी तानाशाह हैं? हम नहीं कहते, जिस देश का राजा तानाशाह होगा तो ज्योतिषी भी भाई उसी की भाषा बोल लगा। फिर इलेक्शन की जरूरत कहाँ है? अगर 80-80 आ रही है तो इलेक्शन चुका सर रिन्यूअल कर लो, एक पॉलिसी ले आओ देश में और पार्लियामेंट से उसे कर लो, कोर्ट मर्जी लगा लो, उसको रिन्यूअल करवा लो उसको, क्यों देश का भी बेवकूफ बना रहे? अच्छा कुछ केंद्र सरकार के रूप में किसानों को ले कुछ बदलाव आपको नजर आता है? नहीं नहीं, बदलाव कुछ नहीं, इलेक्शन का बदलाव है और कोई बदलाव नहीं। फिलहाल जो घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणा क्या कर रही है? आपकी घोषणा बताओ क्या कर रही है? कुछ ना कुछ तो कर ही रहे ना, जहाँ क्या कर रही है बताओ। कहीं सोलर की बात कर रहे हैं, कहीं सोलर की बात तो बहुत पुरानी है, हमारी डिमांड थी कि रूफटॉप सब्सिडी दी जाए, नेचुरल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करें। तो बात करना या उनकी पॉलिसी है तो उसको सब चीज़ों को शामिल करना, एक का घोषणा को पचपच बार करना, ये काम क्या करा ना वो बताओ ना। जैसे ज्ञान मापी भी है, अयोध्या भी है, ये सब चीज आई है, एक चुनाव के वक्त आई है, क्या वजह है? आ जाएंगी सारी ये इन्हें ज्ञान व्यापी, एक आंदोलन देश को 47 जब आओगा आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो 1947 में लड़ाई लड़ी वो लड़ाई लड़ी देश को आजाद करवाने की, अब जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो पूंजीवाद से लड़ाई होगी और ये लंबी लड़ाई चलेगी। अभी लोगों की समझ में नहीं आनी कि अभी तो ये सब मंदिर पर उस पर जा रहे हैं सब, लेकिन पता चल जाएगा ना थोड़े दिन में, और बेरोजगारी है ये है ये आएगा। अभी चुनाव की बात चल रही है, चुनाव में क्या लगता है आपके गृह जनपद से लेकर पूरा पश्चिमी बेल्ट? हमने कहा है कि तानाशाह जब हो जाता है तो सब निमटता चले जाए केस, चुनाव चुनाव का उनका है कि जिनको चुनाव लड़ना है अपने गिनती आंदोलन उनको करना चाहिए, वे कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जिनको भाई चुनाव लड़ना वे देखते हमें तो चुनाव लड़ना नहीं। और हमारे साथ तो सारी पार्टी के लोग हैं, वो बताओगे हम सरकार को वोट दे रहे, ट्रैक्टर हम तुड़वा रहे, अगर जो सरकार को वोट दे रहा उनके कायदे कानून भी मान रहे, आंदोलन में हमारे साथ में, वोट में कहाँ है हमें तो पता नहीं, आपको पता हो तो हमें बताइए।